दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। आगे चलते अपने घर के स्वयंपाक घर के नजदीक में ऐसी ही एक बहुत अच्छी औषध है, तुलसी जैसी। उसको मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, खोरपट, एलोवेरा, ग्वारपाठा, अद्भुत है ये, बहुत बहुत बीमारियों में काम आता है। आप इसको भी गमले में लगा सकते हैं, बहुत आसान है इसका लगना। खोरपट का रस हमेशा इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका पत्ता काटेंगे, पत्ता काटते ही रस निकलना शुरू हो जाता है, और उसको छील देंगे तो और ज्यादा रस निकलता है। ये रस इकट्ठा करके आप इसको कई तरीके से उपयोग कर सकते हैं। सबसे बड़ा उपयोग इसका है डायबिटीज में। जिनको भी शक्कर की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, उनको ये खोरपट का रस इकट्ठा करना और 4-5 चम्मच सुबह खाली पेट पीना, बहुत अद्भुत काम करता है। दूसरा, ये खोरपट का रस ऐसे लोगों की सबसे अच्छी दवा है जिनको नपुंसकता है, इम्पोटेंसी की बीमारी जिनको बहुत है, ऐसे सब लोगों को खोरपट का रस बहुत अद्भुत काम करता है। आप उनके लिए भी बोल सकते हैं कि 3-4 चम्मच रोज सुबह इसको पीना। तीसरा, ये खोरपट का रस उन सबके काम आता है जिनके शरीर में फोड़े बहुत होते हैं, फुंसियां बहुत होती हैं। अक्सर आपने देखा है कि गर्मियों के दिन में कई छोटे बच्चे तो ऐसे हैं जिनको हमेशा कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ पाँव कहीं हर जगह शरीर में फोड़े फुंसी होते रहते हैं, इनके लिए भी ये खोरपट का रस बहुत अद्भुत है। बालों में अगर आपको डेंड्रफ है, कोड़ा जो मैंने कहा, इसमें खोरपट का रस लगाएं तो बहुत अद्भुत काम करता है। बाल आपके बहुत झड़ते हैं, बहुत ज्यादा टूटते हैं, समय से पहले आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा बाल टूट रहे हैं, कारण आपके कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसमें भी खोरपट का रस बहुत अच्छा काम करता है। बालों में लगाइए, 1 तास के लिए छोड़ दीजिए, फिर बाल धो लीजिए। 1 हफ्ते में 1 दिन भी अगर आपने लगाना शुरू किया तो बाल टूटने आपके बंद कर देगा। आपको ऐसा लगता है कि बाल आपके बहुत हल्के हो गए हैं तो भी आप खोरपट का रस उपयोग करिए, बाल एकदम अच्छे हो जाए। अगर समय से पहले बिना किसी कारण से, जेनेटिक प्रॉब्लम भी नहीं है तो भी किसी को बाल अगर सफेद हो रहे हैं, उनको बोलिए कि खोरपट का रस लगाएं, बाल एकदम काले कर देता है। इसी खोरपट के रस से शरीर के अंग का कोई भी हिस्सा जो सड़ गया है, बहुत खराब एक बीमारी है जिसको अंग्रेजी में गैंग्रीन कहते हैं, गैंग्रीन, और एलोपैथी के किसी भी डॉक्टर के पास इसका कोई इलाज नहीं। गैंग्रीन का अगर कोई भी बीमारी आ गया तो एलोपैथी का डॉक्टर एक ही बात आपको बोलेगा कि शरीर का ये अंग काट के निकाल दो। ये सड़ा हुआ शरीर का अंग फिर से ठीक करने की ताकत दुनिया में जिस औषध में है वो यही है, खोरपट का रस। कितना भी खराब अंग सड़ गया हो, पांव में, हाथ में, कहीं भी किसी भी हिस्से में, आप खोरपट का रस वहां लगाना शुरू कर दीजिए, 8-10 दिन में आप चमत्कार देखेंगे, अद्भुत परिणाम आता है। इसी खोरपट के रस का और अच्छा एक उपयोग है, जिनको भी रक्त का दूषण हो गया, रक्त का दूषण बहुत तरह का होता है, जैसे आपके रक्त में एसिडिटी बढ़ गई, रक्त में अम्लता बढ़ गई, और रक्त की अम्लता बढ़ने से क्या बीमारियां होती हैं, चर्म रोग सबसे ज्यादा आते हैं। सोराइसिस नाम का एक चर्म रोग है, इचियोसिस नाम का एक चर्म रोग है, एक्जिमा नाम का एक चर्म रोग है, ये सारे के सारे चर्म रोग रक्त की अम्लता बढ़ने से आते हैं। तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को आप खोरपट का रस पिलाना शुरू कर दीजिए, चर्म रोग ठीक कर देता है। और खोरपट का रस पीने में तो काम आता ही है, चर्म रोग है तो उसको बाहर से लगा भी सकते हैं, तेल की तरह उसकी मालिश भी कर सकते हैं और जल्दी ठीक कर देता है। इसी खोरपट के रस से आपके शरीर का अंदर के कई रोग ठीक होते हैं, जैसे आपको अल्सर है, अल्सर आप समझते हैं पेट में घाव हो गया, अल्सर है या पेप्टिक अल्सर है, इसको ठीक करने की ताकत खोरपट के रस में है। तो जो अल्सर के पेशेंट हैं, जिनको अल्सराइटिस है, वो भी इस खोरपट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक खोरपट, मैंने इसका उपयोग करके देखा है, कम से कम 53 बीमारियों में, 53 डिसीज में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट। इसलिए आप अपने स्वयंपाक घर के नजदीक में एक गमले में जरूर इस खोरपट को लगा के रखिए, ये बहुत काम आता है। और एक आखिरी बीमारी इसकी और बता देता हूं, बच्चों से लेकर बड़ों तक कान में कभी भी दर्द हो जाए, कितना भी तेज दर्द हो कान में,
आप कोरपट के रस की एक थेम डाल दीजिए कान में, 5 मिनट में ही दर्द बंद कर देगा। 5 ही मिनट लगते हैं दर्द बंद हो। कई बार आपने देखा है बच्चों और बड़ों को एक बीमारी होती है, कान में से लस निकलती है। उस बीमारी में भी कोरपट का एक थेम कान में डाल दीजिए, 3-4 दिन सतत डालेंगे, लस निकलना बंद हो। इसी कोरपट का और कई जगह उपयोग होता है। आपके मुंह से बहुत बास आती है, सुबह उठते ही आपको ऐसा लगता है कि मुंह से बदबू आ रही है। आप कोरपट के रस को मुंह में मालिश करिए, मुंह से मतलब मसूड़ों पे मालिश करिए, उसके बाद कुल्ली कर लीजिए तो मुंह से बास आना बंद करा दे। अगर आपके मसूड़ों से खून आता है, पायरिया नाम का रोग, अक्सर हमारे दांतों से खून आता है, मसूड़ों से खून आता है, तो कोरपट के रस को हल्के हल्के मालिश करिए, 3-4 दिन के अंदर ही पायरिया को ठीक करने की शक्ति इसमें है। अद्भुत है ये कोरपट, और ये कोरपट सौभाग्य या दुर्भाग्य सबसे ज्यादा भारत में ही होता है। अगर इस कोरपट का कोई बिजनेस करे तो एक ही साल में कोटिपति हो सकता है। इस कोरपट का रस अमेरिका में 1,000 रुपए लीटर बिकता है, 1,000 रुपए लीटर, गाय के तूप से भी महंगा। गाय का तूप बिकता है 100, 200, 250 रुपए लीटर, कोरपट का रस 1,000 रुपए लीटर बिकता है। और ये इतना महंगा क्यों बिकता है? क्योंकि दुनिया के दूसरे देशों में ये ज्यादा होता नहीं है, लेकिन इसकी डिमांड बहुत है। जितनी भी कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्रीज हैं, कॉस्मेटिक्स के सामान बनाने वाली कंपनियां, सबको ये चाहिए। अमेरिका और यूरोप में सबसे ज्यादा इसकी मांग है, लेकिन वहां उत्पन्न हो नहीं पाता ज्यादा, ज्यादा ये भारत में होता है। तो अगर आपके पास थोड़ा खेत है, खेती है, तो किनारे किनारे कोरपट लगा दीजिए। इसको पानी नहीं देना पड़ता, इसको खत नहीं देना पड़ता, कुछ नहीं देना पड़ता, ये अपने से ही बढ़ता रहता है। काटते जाइए, रस निकालते जाइए, बाटली में भर के आप सीधे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, भारत के बाजार में भी बेच सकते हैं। बहुत बड़ा बिजनेस है, और ऐसा बिजनेस है जिसमें घाटा कुछ नहीं होने वाला, मुनाफा ही मुनाफा है। इसके दो फायदे होते हैं। अगर शेत के चारों तरफ आप ये कोरपट लगा दें, चारों बाजू में, तो उस पूरे शेत में कोई भी जंतु नहीं आता, तो जंतुनाशक औषधि की जरूरत नहीं। और कोरपट बड़ा होने के बाद 1,000 रुपए लीटर का भाव दे देता है। इसको आप रस के रूप में भी बेच सकते हैं, डायरेक्ट भी बेच सकते हैं। जी, रस कैसे निकलता है? इसका रस निकालने के लिए एक बहुत छोटी सी मशीन आती है, वो मशीन आप अपने घर लगा सकते हैं, मशीन से रस निकल सकता है। और मशीन नहीं लगाना हो तो हाथ से भी रस निकल आता है। निकालने का तरीका मैंने बताया, इसका पत्ता काटना, फिर उसको चाकू से छीलना, फिर छोटे छोटे पीस उसके करना, और उसको स्मैश करके रस निकल आता है। जी, मिक्सर में निकल आता है, क्रशर आता है इसका एक, उसमें भी निकल आता, मिक्सर में भी निकल आता। तो इसको आप जरूर अपने घर में रखिए, कम से कम गमले में लगा के रखिए, ये बहुत तरह के उपयोग में आपको आने वाला। अभी जी, कांटे रहते हैं इसके पत्ते में, कांटे रहते हैं, छोटे छोटे कांटे रहते हैं। इसके आगे एक औषधि की माहिती देता हूं जी। इसका रस का कोई एक्सपायरी डेट नहीं, 1 बरस, 2 बरस, 10 बरस, 20 बरस, 50 बरस, कभी भी खराब नहीं होता। जैसे गंगा जल खराब नहीं होता, वैसे कोरपट का रस कभी खराब नहीं होता। कांच की बाटली में भर के कभी भी रख सकते हैं। रस कितना लेना? 3 से 4 चम्मच, उतना ही पर्याप्त है। दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें, और हाँ, हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।